दोस्तों, अगर आप YouTube, Facebook या फिर Instagram के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनली एडिट करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ कर सकते हैं अपने मोबाइल पे दुनिया के सबसे पॉपुलर वीडियो एडिटिंग ऐप काइनमास्टर के साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम काइनमास्टर के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से आप अपने वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं, जिससे कि देखने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि ये मोबाइल पर ही एडिट किया गया है या फिर कोई प्रोफेशनल ने किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पर एडिट किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडिटिंग सीखते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आनंद टॉकिंग। दोस्तों, सबसे पहले आपको काइनमास्टर को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से जब आप काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेंगे तो फिर इसे ओपन करना है, और ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखिए, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है प्लस, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन रेशियो दिखाई दे रहा है, 16:9, 9:16 और 1:1। आपको 16:9 सेलेक्ट करना है अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं या फिर अपने टीवी स्क्रीन पे वीडियो देखना चाहते हैं। और 9:16 सेलेक्ट करेंगे जब आप चाहते हैं कि पूरे मोबाइल पे वर्टिकली वीडियो देखें, पूरे मोबाइल को। अगर आप हॉरिजॉन्टली नहीं देखना चाहते पूरे स्क्रीन पे, तो फिर इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करें, तो 1:1 को सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं 16:9 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अभी हाइलाइटेड जो दिखाई दे रहा है वो मीडिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ सेटिंग जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी कुछ स्टोर है, जो भी वीडियो है, फ़ोटो है, जिस भी गैलरी में है, जिस फोल्डर में है, वो सारा फोल्डर यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपने जहाँ भी वीडियो या फिर कोई फ़ोटो सेव कर रखा है उसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर लाएंगे टाइमलाइन में। जैसे मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, इसमें मैं एक वीडियो को सेलेक्ट करूँगा और उसको यहाँ पर इस टाइमलाइन में लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसको लाता हूँ। यहाँ पर ये वीडियो है, मैंने इसको यहाँ पर लाया। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर लाएंगे तो ये वीडियो जो है यहाँ पे आपको आ गया है। अब इसके बाद अगर आप कोई और वीडियो भी लाना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर ला सकते हैं। अब जैसे मैं एक और वीडियो यहाँ पर ले लेता हूँ, उसको यहाँ पर लाएंगे, और उसके बाद इसको भी मैंने ले आया और एक और वीडियो यहाँ पर लाते हैं। और बीच में अगर हमें कोई फोटो डालने की जरूरत होगी तो वो फोटो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, जो भी कुछ यहाँ पर नीचे टाइमलाइन में दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लकीर जैसा दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसे प्ले हेड कहते हैं। और ये प्ले हेड जहाँ पर होता है वहाँ पर का क्लिप आपको ऊपर में यहाँ स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है उस पर दिखाई देता है। अब आपको अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपने वीडियो इस पर डाल लिया, अब ये वीडियो को प्ले करके यहाँ नीचे से देख सकते हैं, प्ले कर रहे हैं। अब ये देखिए वीडियो ये चल रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसमें से कोई पार्ट को, अगर जैसे शुरू में अगर आपने वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कैमरा हिल रहा है, या फिर किसी कारण से आप वीडियो को जो है वो चाहते हैं कि ट्रिम करना, तो फिर यहाँ पर ट्रिम करने के लिए जैसे ये पार्ट को, मैं इतना पार्ट को हटाना चाहता हूँ, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो सीजर का दिखाई दे रहा है निशान, वो सीजर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, चार ऑप्शन है, ट्रिम टू द लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू द राइट ऑफ प्ले हेड, स्प्लिट एट प्ले हेड और स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो अगर हमको लेफ्ट साइड को यहाँ पर से जो है ट्रिम करना है, डिलीट करना है, तो इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये जो यहाँ पर लेफ्ट साइड था प्लेहेड, यानी जो लाल रंग का लकीर दिखाई दे रहा है, उसके लेफ्ट साइड का जो पार्ट था वो डिलीट हो गया। अगर मान लेते हैं आप गलती से इसको डिलीट कर देते हैं, तो इसको फिर से अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में ऊपर में कॉर्नर पे एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा। और यहाँ नीचे में फिर यहाँ देख रहे हैं रिडू, इसको करेंगे क्लिक तो फिर से वैसे ही वो रिडू हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर अब आप इसको प्ले करके देख लेंगे कि क्या प्ले करने पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड का अगर यहाँ पर कोई क्लिप को हटा देना चाहते हैं तो राइट साइड में अगर करेंगे तो राइट साइड का पूरा जो है वो वीडियो क्लिप यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा राइट साइड नहीं हटाना है तो इसको ऐसे फिर से अंडू कर देते हैं। अब इसी तरीके से अगर किसी पार्ट को दो पार्ट में बांटना है, जैसे स्प्लिट एट प्ले हेड यहाँ पर करेंगे तो ये दो पार्ट में बट गया। अब ऐसा इसलिए करते हैं कि दो पार्ट में बांटने के बाद अगर हमें किसी बीच का पार्ट को हटाना है, थोड़ा सा पार्ट हटाना है, तो इसको बीच में जो है इसको स्प्लिट कर दिया और जो भी पार्ट हटाना है, मान लेते हैं इतना पार्ट को हमें यहाँ से हटा देना है या फिर इधर से ये हटा देना है, तो फिर इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और इसको लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। और एक और जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, जब आप इस फीचर पे जाते हैं सबसे नीचे में वो दिया है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। अगर यहाँ पर कर देते हैं तो ये देखिए प्ले हेड जहाँ पर रहता है वहाँ का फ्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कोई फ्रेम को कैप्चर करना चाहते हैं, अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं या फिर उसको फोटो के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे नीचे चौथा ऑप्शन में यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब इसके कारण क्या हो गया कि वो जो सीन था, वो जो आपको दिखाई दे रहा था ऊपर में, वो फोटो के रूप में यहाँ पर आ गया। देखिए ये फोटो के रूप में यहाँ पर वो कैप्चर हो गया और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखिए फिर ये वीडियो प्ले होने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का साउंड अब ज़्यादा है या कम है, इसको अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम का बटन है, इसको अगर हम कम कर दें, मान लेते हैं अभी ये वॉल्यूम कम कर देते हैं जिससे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन सकें, तो फिर इसको ऐसे मैंने कम कर दिया। अब देखिए ये वॉल्यूम इसका जो है कम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये वॉल्यूम पूरा बढ़ जाएगा और दोगुना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें अगर चाहते हैं वॉल्यूम बढ़ाना तो वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ऑटो वॉल्यूम, इसको इस तरीके से अगर क्लिक कर देते हैं तो लेफ्ट और राइट दिखाई दे रहा है। यहाँ 100% दिखाई दे रहा है, यानी लेफ्ट साइड में 100% वॉल्यूम आएगा और राइट साइड में भी 100% वॉल्यूम आएगा। अगर आप ईयरफोन लगाते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर आएगा। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर नीचे में आपको दिखाई दे रहा है पिच। अगर आप वॉल्यूम को जो है चेंज करना चाहते हैं, आवाज़ को बदलना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसको अगर आप बढ़ा देते हैं और या फिर घटा सकते हैं, ऐसे ये जीरो पर रहेगा जब आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, और जब इसको आप बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो मोटा या पतला हो जाता है। अब इसको आप करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको बढ़ा दिया। अब ये देखिए इसको मैंने जो है +6 कर दिया तो ये वॉल्यूम कैसा दिखाई देगा वो आप प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले करके कि कैसा यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसी तरीके से यहाँ पर आप वॉल्यूम के पिच को बढ़ा सकते हैं। जब बढ़ा देंगे और घटा देंगे, यानी माइनस में जब भी आप ले जाएंगे तो वॉल्यूम जो है मोटा हो जाएगा, ये जो है एजेड लगेगा, कुछ बड़े आदमी का आवाज लगेगा। और जैसे जैसे इसको प्लस पॉजिटिव साइड ले जाएंगे वो बच्चे का आवाज होता जाएगा और आपको आवाज पतला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने काइन मास्टर का जो बेसिक यूज है वो जाना है कि इसका इंटरफेस कैसा है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, टाइमलाइन में वीडियो को कैसे लाना है, फोटोज को कैसे लाना है, उसे ट्रिम कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, वॉल्यूम के साथ एडिटिंग कैसे करना है, ये सारा कुछ हमने जाना। आने वाले वीडियो में काइन मास्टर के बारे में और जानेंगे, और भी बहुत कुछ करने को है तो वो सारा कुछ सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल आनंद टॉकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।